दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस 2023 की आपकी एग्जामिनेशन डेट को लेकर। तो यहाँ पर जो है काफ़ी दोस्तों ने कमेंट दिया कि सर हमारा जो है वो एसएससी एमटीएस की एग्जामिनेशन डेट जो है अब हमारी यहाँ पे क्या रहने वाली है, और इसके लिए जो है हमारे एडमिट कार्ड की एप्लीकेशन स्टेटस जो है कब तक हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जिसमें जो है दोस्तों आपका फाइनल फॉर्म जो है यहाँ पे एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट, ये भी जो है आपका एडमिट कार्ड की एप्लीकेशन स्टेटस के साथ ही आपका जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो है दोस्तों कंप्लीट इन्फॉर्मेशन विद प्रूफ हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो अगर दोस्तों हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो है दोस्तों अगर बात करें एसएससी एमटीएस की आपकी एग्जामिनेशन डेट जो है यहाँ पे क्या रहने वाली है, तो इसके लिए जो है दोस्तों जैसे आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर जो आप देख पाएंगे कि दोस्तों अभी तक जो है वो एसएससी ने आपकी एग्जामिनेशन डेट को लेकर जो है वो ऑफिशियल रूप से जो है कोई भी इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट को यहाँ पे अवेलेबल नहीं करवाई है दोस्तों। बट यहाँ पर जो है दोस्तों जैसे कि आपको बताया एसएससी एग्जामिनेशन कैलेंडर में जो है दोस्तों आपकी एसएससी एमटीएस की एग्जाम जो है दोस्तों अप्रैल में यहाँ पे जो है शेड्यूल की गई थी दोस्तों, जिसके लिए जो है आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो यहाँ पर जो है दोस्तों आप देख पाएंगे कि मल्टी टास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन एग्जामिनेशन 2022। तो इसके लिए जो है दोस्तों आप यहाँ पे देख पाएंगे अप्रैल 2023, यानी दोस्तों आपका एसएससी एमटीएस 2022 का एग्जामिनेशन जो है वो यहाँ पे जो है दोस्तों अप्रैल 2023 में जो है कंडक्ट करवाया जाना है दोस्तों। बट इसके लिए जो है दोस्तों आपकी एग्जाम डेट को लेकर एसएससी ने अभी कोई भी ऑफिशियल अपडेट आपको यहाँ पे अवेलेबल नहीं करवाया। तो यहाँ पर जो है दोस्तों बात करें आपकी एसएससी एमटीएस के लिए एग्जामिनेशन डेट जो है यहाँ पे क्या रह सकती है, तो इसके लिए जो है दोस्तों आपको बता दें कि एसएससी जो है दोस्तों किसी भी एग्जाम का आपका जो है वो कैंडिडेट को दोस्तों 1 मंथ पहले जो है आपकी एग्जामिनेशन डेट जो है वो यहाँ पे अवेलेबल करवा देता है दोस्तों। और यहाँ पर जो है आप मान के चल सकते हैं कि दोस्तों इसी सप्ताह बहुत जल्द जो है वो आपको जो है दोस्तों यहाँ से 15 से 20 मार्च के आसपास जो है एसएससी एमटीएस की एग्जामिनेशन डेट को लेकर जो है नोटिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा दोस्तों। इसके जो है दोस्तों ठीक 1 मंथ बाद, यानी कि दोस्तों आप मान के चल सकते हैं कि आपका जो है 15 से 20 अप्रैल के आसपास जो है वो दोस्तों आपका एसएससी एमटीएस का एग्जामिनेशन जो है यहाँ पे शुरू हो जाएगा। और अब यहाँ पे बात करते हैं कि दोस्तों आपके एग्जामिनेशन के लिए जो है आपके एडमिट कार्ड की एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो आपको यहाँ पे कब तक देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है दोस्तों एसएससी जो है किसी भी एग्जाम का आपका जो है वो डेट को एडमिट कार्ड का एप्लीकेशन स्टेटस जो है दोस्तों 15 से 20 दिन पहले जो है वो यहाँ पे अवेलेबल करवा देता है दोस्तों। यहाँ पर जो है दोस्तों आप मान के चल सकते हैं कि अप्रैल के स्टार्टिंग में ही जो है वो दोस्तों आपके एडमिट कार्ड के स्टेटस जो है वो यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर दोस्तों हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।